Hello, students. How are you all? I hope all are fine. Today we learn Class 5th English, Lesson 1 the Balloon Man Exercise. So let's start. Okay, students. यहाँ पर क्वेश्चन uh, है स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट ठीक है तो इसमें प्रश्न लिखा हुआ है अंडरलाइन द करेक्ट अंडरलाइन मतलब होता है रेखांकित करना है द करेक्ट वर्ड जो सही शब्द है इन द गिवन सेंटेंसेस ये जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें से जो ये डार्क वाला है इसमें से हमें चॉइस करके करेक्ट आंसर में सही आंसर में अंडरलाइन करना है यदि इसमें टिक लिखा रहता ठीक है यदि यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर तो हम ऐसे राइट का निशान लगाते हैं ठीक है जो कहा जाएगा वो करेंगे टिक बोलेगा तो राइट का निशान और अंडरलाइन बोला है तो हम सही सेंटेंस सही जो करेक्ट वर्ड है उसे रेखांकित करेंगे ओके okay. यहाँ पर है फर्स्ट दिस इज़ यह है मिसेस सुमन श्रीमती सुमन अब इसमें है इसमें हमें चूज़ करना है ही सी उसके बाद दोनों में से क्या आएगा इज़ माई क्लास टीचर तो हमें यह याद रखना है यदि गर्ल या वो फीमेल है ठीक है ना तो उसमें हमें सी का यूज़ करना है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी तो हम सी में क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से ये आंसर इसमें हमको किसे ध्यान देना है मिसेस सुमन है ना मिसेस लिखा है मतलब श्रीमती है और ये क्या है आ, फीमेल है तो गर्ल हो या फीमेल हो तो हमें क्या करना है सी लगाना है मतलब उसमें अंडरलाइन करना है ओके okay. नेक्स्ट है इसमें सेकेंड रवि इज ए स्टूडेंट रवि एक विद्यार्थी है है ना और ही या सी इसका कोई एक जो है सही है रिट्स इन क्लास थर्ड और वो क्लास थ्री में जो है पढ़ता है तो यहाँ पर जो हम देखते हैं सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है रवि रवि क्या है ये लड़के का है ना ये मेल है मेल मतलब पुरुष तो क्या होगा यदि लड़का है या वो मैन है तो हम उसमें क्या करेंगे ही में अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे फीमेल थी इसलिए सी और यहाँ पे मेल है इसलिए हमने ही में अंडरलाइन किया है ओके बच्चों। थर्ड राजू बाइज ए बलून राजू ने एक गुब्बारा खरीदा अब इसमें से चॉइस करना है ही आएगा कि इट आएगा इज ब्लू इन कलर और यह क्या है इसका जो रंग है वह नीला है है ना तो अब यहाँ पे राजू बाइस ए बलून तो यहाँ पर बात किसके बारे में बात हो रही है बलून के बारे में कुछ के बारे में है ना तो यदि कोई वस्तु होता है या फिर आ, एनिमल है तो हम उसके लिए इट का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे वस्तु की बात हो रही है इसलिए हम अंडरलाइन करेंगे वो वर्ड होगा इट इट इज ब्लू इन कलर ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा इट इट में हमको अंडरलाइन करना है नेक्स्ट है इसमें फोर्थ आई प्ले मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ विथ सीता मीना एंड सुनील मैं जो है सीता मीना और सुनील के साथ खेलती हूँ या खेलता हूँ सी या फिर दे इसमें से एक जो है सही है आर माय फ्रेंड्स ठीक है अब यहाँ पे आर का उपयोग हुआ है वैसे यहाँ पर इसमें एक से अधिक लोगों के साथ खेलने की बात कही गई है तो जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे दे का यूज़ होता है ठीक है और यहाँ पे आर भी लिखा है तो हम सी के साथ आर का यूज़ नहीं करते हैं सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो है इज और वी है या दे है तो उसके साथ हम आर का उपयोग करते हैं वैसे तो इस प्रश्न में एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए यहाँ पे जो वर्ड सही है वो है दे ठीक है तो यहाँ पे हम दे में अंडरलाइन करेंगे okay, students. Fifth है इसमें I have a little dog. मेरे पास एक छोटा डॉग है कुत्ता है इट या दे दोनों में से एक करेक्ट है इज वेरी क्यूट और ये बहुत ही है क्यूट है तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो डॉग के बारे में बात हो रही है तो हम आ, किसी वस्तु के लिए ईट या फिर एनिमल के लिए हम ईट का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा जो अंडरलाइन करेंगे वो वर्ड है ईट ओके ओके बच्चों यहाँ पर सेकंड है इसमें मेक निगेटिव सेंटेंसेस निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य हमें बनाना है ठीक है जो सकारात्मक है उसे नकारात्मक वाक्य बनाना है जैसे यदि हम एक वाक्य बनाते हैं मैं आम तोड़ने गया ठीक है अब इसका नकारात्मक वाक्य बनाएंगे मैं आम तोड़ने नहीं गया तो क्या करना है हमें निषेधवाचक वाक्य बनाना है और निषेधवाचक वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि Is, एम आर हैज़ हैव इसके बाद नॉट शब्द जो है लगाना होता है इस तरह से फिर हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस बन जाता है ठीक है तो हमें क्या करना है ये होता है सब्जेक्ट ये होता है हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब हैं इसके बाद नॉट यदि हम जोड़ देंगे तो वह निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ये याद रखना है कि निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक तो हमें नहीं शब्द जो है जोड़ना है और इंग्लिश में नहीं के लिए हम नॉट लिखेंगे ओके बच्चों यहाँ पर है फर्स्ट रामू इज ए बलून में रामू एक गुब्बारे वाला है अभी क्या हो जाएगा हम इस इसे हम आंसर के रूप में बनाएंगे इसे क्या बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा रामू इज नॉट ठीक है हम क्या लिखेंगे रामू इज नॉट ए ये पूरे एक लाइन में रहेंगे बलून मैन रामू इज नॉट ए बलून मैन रामू एक गुब्बारे वाला नहीं है ठीक है सेकेंड है इसमें आई एम ए स्टूडेंट मैं एक विद्यार्थी हूं अब इसका निगेटिव जो हम बनाएंगे वो क्या होगा पहले तो हम आंसर टू करके लिखेंगे और पहले जो सब्जेक्ट है उसे लिखेंगे फिर am को लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और इसके जस्ट बाद हमें नॉट शब्द जोड़ना है और फिर जो बाक़ी जो लिखा हुआ है उसे जैसे का तैसे यहाँ पे लिख देना है और फुल स्टॉप लगा देना है इस तरह से ये बन जाएगा आई एम not ए स्टूडेंट ये एक लाइन में आएंगे ये आंसर जो है आई एम नॉट ए स्टूडेंट मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ ओके okay, बच्चों यहाँ पर थर्ड है आई कैन ना आई कैन रन फास्ट मैं तेज दौड़ सकता हूँ ठीक है तो हम इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे आंसर थर्ड आई कैन कैन के बाद हमें नॉट लगाना है आई कैन नॉट रन फास्ट मैं तेज नहीं दौड़ सकता मैं तेज नहीं दौड़ सकता फोर्थ है इसमें आई हैव कम टू बाय बलून्स ठीक है आई हैव कम मैं आया हूँ टू बाय बलून्स गुब्बारे खरीदने आया हूँ तो हम इसका क्या करेंगे हैव के बाद हमें नॉट जोड़ना है ठीक है तो हम क्या करेंगे आई हैव तक हमको लिखना है फिर इसके बाद हमें नॉट जोड़ना है आई हैव नॉट फिर जो लिखा है वो पूरे को लिखते जाना है कम टू बाय बलून्स मैं गुब्बारे खरीदने नहीं आया ठीक है इस तरह से हमें क्या करना है सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है जितने भी इसमें सेंटेंस हैं उसमें लास्ट है इसमें दीज आर माए बलून दीज ये माई बलों मेरे गुब्बारे हैं है ना जब एक से ज़्यादा है तो हम हैं का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या करना है आर के बाद हमको नॉट लगाना है तो हम क्या लिखेंगे आंसर फाइव और जब नॉट लगाएंगे तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे पहले दीज आर तक के अब आर के बाद हमें नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर माई बलून्स जो भी लिखा है उसको लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे तो इस तरह से ये हमारे निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा दिज आर नॉट माई बलून्स ये मेरे गुब्बारे नहीं हैं ओके स्टूडेंट्स बाय से यू इन द नेक्स्ट वीडियो